Describe your journey. I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I've done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it takes a heavy toll on you. Again, mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the kya hota hai face? What hearted? Faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived. And I think I have come out stronger. Sana और आपके बीच झगड़ा हमें हमेशा देखने के लिए मिला है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर अपने जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है और एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकती है। उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। जी जी जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सीनियर ऐसे जवाब दे। रणवीर सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इस तरह से बात करना आपके लिए और उनके लिए सही था जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा? उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। क्या आप ऐसे बात कर सकते हैं? यू डन थ्री क्वेश्चन। नेक्स्ट, एनीवन? ईशान, कोई क्वेश्चन है क्या? उठो, अरे पूछ रहे रणवीर, मटन बोला था, मटन जैसे तुम लोग चाहोगे भाई। रणवीर सर, आगे दोस्त, आपकी उम्र शायद बहुत कम है। मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतम के खिलाड़ी कर चुका हूँ। रोहित शर्मा पहला सीजन था। मेरा कोई ओवर एम्बिशन नहीं है रियलिटी के लिए। ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता, तो मैं रियलिटी टी वी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये खत्म हुआ है, 42 डेज के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज में, जिसके पास मैं वापस जाऊंगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊंगा। सना की ट्रॉफी जीतने के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या सर? सना की ट्रॉफी जीतने के बारे में आप? सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूंगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे। सर, बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए, ना कि वोटों के दौरान, काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है, इस पर आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। सर, आप ठीक? मैं था, अरमान था, और भी लोग थे। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब मैसेज का क्या? जो जीत वो अच्छा, उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए, उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप तीन लोग बैठकर ब्लेम कर रहे थे। सर, ये यहाँ पर आप कितना कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूं, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूं कि अगर तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में पूछे, मैं नहीं समझता हूं उसमें किसी को आपत्ति को। यार, आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल है कि नहीं? तो वो आप वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। सर, बिग बॉस 18 में अगर आपको मौका मिले तो आप आएंगे? सर, मैंने सुना नहीं। बिग बॉस 18 में? 18 में बिग बॉस मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत। सर, आपने काम को लेकर कहा है कि काम नहीं है इंडस्ट्री में या काम नहीं मिल रहा है। भाई भाई भाई, मैडम का पांचवा सवाल है, ध्यान से सुनिए। सर, कोई प्रॉब्लम? सर, आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो। सर, मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार। चलिए, सर, क्या आपको कोई और है नहीं, क्या करेंगे ये सवाल है कि अपने काम को लेकर ज्यादा यहाँ पर यू नो बात की कि काम नहीं है या काम नहीं मिल रहा है, यू नो, और नहीं मिल रहा। नहीं, मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था।
और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैरियर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास, और मेरा बेटा आउट ऑफ द कंट्री छुट्टियों पर जा रहा था, तो वो आउट ऑफ टच रहना पड़ता है फैमिली के साथ, इस वक्त भी वो कर सकता था, तो इसीलिए मैंने ये कहा। आपका वेब शो भी रिलीज हुआ है शेखर होम बॉडी, अभी रिलीज नहीं हुआ है, मुझे अभी पता लगा है कि वो रिलीज अभी पता लगा है आने से पहले। मैं 42 डेज कैप्टिविटी में रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड्स और दुनिया से कटा हुआ, मुझे अंदाज़ा नहीं है, और मुझे खुशी है कि मेरे बाहर आते ही मेरा जो काम रिलीज नहीं हो रहा था वो रिलीज होने वाला है, एंड आई होप आप सब इसी एंथुसियाज्म से उसके लिए भी मुझे मिलेंगे। श्योर श्योर सर। बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा बॉलीवुड दुनिया में ही है ना, क्या कहीं और है? मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। लिबरल की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक है तो आप लोग कौन सी ऐसी चीज है जो बिग बॉस से आप एक बिग बॉस से कोई ऐसी चीज सीख कर जा रहे हैं, कुछ लाइफ में कुछ सीख कर जा रहे हैं बिग बॉस गेम शो? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीख के जा रहा हूँ वो है पेशेंस। सर आप अंडरग्राउंड नहीं होंगे, सर आप अंडरग्राउंड नहीं होंगे।